ये देखिए, ये खीरा ककड़ी का फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प है। इसके नीचे आप देख रहे हैं तने से बहुत बाहर है और यहाँ पे एक छोटी खीरा ककड़ी भी लग रही है जिसको हम बेबी कुकुम्बर कह सकते हैं। और फीमेल फ्लावर की यही खासियत होती है कि उसके आगे जो है वो कुकुम्बर लगी होती है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि तो आपको ये पेटल्स हैं जो बाहरी दल जिसे हम कहते हैं, और ये बीच में सेंटर में आपको तीन गुंबद शेप के, डोम शेप की चीजें दिख रही होगी। और ये थ्री अंडपी यानी ट्राई कार्पलरी होती है। तो आपने देखा कि फीमेल फ्लावर कैसा दिखता है कुकुम्बर का, क्योंकि ये एक लिंगी पुष्प है यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब इसका नर पुष्प भी होगा, तो चलिए देखते हैं नर पुष्प कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इसका नर पुष्प है यानी कि फीमेल फ्लावर है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वैसे गुंबद शेप नहीं दिखेंगे। ये डॉट डॉट क्या है, ये इसके पुंकेसर है यानी कि जो नर पुष्पधानी होती है वो है। और इसकी क्या पहचान है, तो अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे कोई खीरा ककड़ी नहीं लगी हुई है, बेबी खीरा ककड़ी नहीं है, जबकि एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मेल फ्लावर की खासियत होती है। इसमें कोई पीछे खीरा ककड़ी नहीं है और ये तने से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसी के पास देखो एक और लगा हुआ है, ये भी नर पुष्प है। देखा कि इसी पर आपका जो मेल यानी नर पुष्प है वो भी लगा हुआ है। ये जो है नर पुष्प है और इसी पे आप पास में देख रहे हैं मादा पुष्प भी लगा हुआ है, क्योंकि जो कुकुम्बर है यानी खीरा है उसके पेड़ पर नर व मादा पुष्प एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं यानी पादप पे पाए जाते हैं। तो ये द्विलिंगाश्रयी पादप है क्योंकि इसमें दोनों ही नर व मादा पुष्प एक जगह पर होते हैं, एक पेड़ पर होते हैं। और पुष्प की अगर हम बात करें तो वो एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर।